चर्चा में। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है कर्नाटक के कशमकश की। वो कशमकश क्या है? वही पांच गारंटी को लेकर। कर्नाटक में पांच गारंटी को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। कभी कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन करती है, तो कभी कारोबारी बिजली के बढ़े दामों को लेकर सड़क पर है, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की पांच गारंटी पूरा करने में सिद्धारमैया सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन भुगतान तो लोगों को करना पड़ रहा है। फ्री बिजली तो मिली नहीं, लेकिन उससे पहले दाम जरूर बढ़ गए। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का दावा, इस बढ़ोतरी से व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। और कैसे? राज्य सरकार की गारंटी गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का आश्वासन, लेकिन बोर्ड ने इसी बीच लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी। उधर से सिद्धारमैया सरकार के सामने चावल का भी संकट है। 10 किलो मुफ्त चावल वाली अन्न भाग्य स्कीम कैसे लागू होगी, ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक के हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके लोगों को बताया है कि केंद्र सरकार चावल नहीं दे रही है। उधर व्यापारियों का दावा है कि बिजली की दरों में 50 से लेकर 70 फीसदी की जो बढ़ोतरी हुई, इससे छोटे उद्योग छोटे कारोबारी तबाह हो जाएंगे और दूसरे राज्यों से कर्नाटक पीछे रह जाएगा। तो फ्री बिजली की रेवड़ी के बीच भारत सरकार ने हालांकि उपभोक्ताओं के अधिकार नियमों में संशोधन किया है, और उसका क्या लाभ मिलने वाला है उपभोक्ताओं को कि सभी प्रकार के बिजली मीटर पर टाइमिंग ऑफ डे टैरिफ नियम लागू हो जाएगा, और इससे उपभोक्ताओं को बिल देने में काफी सहूलियत होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फ्रीबी को लेकर पार्टियों में होड़ तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनकी गारंटी कितनी सही है ये सोचने का काम उन्होंने जनता पर डाल दिया है। यानी कि गारंटी पूरे नहीं हो रहे हैं और जनता परेशान है। आयशा खानम बेंगलुरु से हमारी संवाददाता इस पर जुड़ चुकी हैं। आयशा, छोटे कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब करीब 50 से लेकर 70 फीसदी बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। उनसे मुख्यमंत्री की मीटिंग भी हुई थी उनके प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन लगता है बात बनी नहीं उस पर और वो अपने हड़ताल पर गए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आयशा जी हाँ, बिल्कुल लालचंद, कल व्यापारियों ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया, कल कर्नाटक बंद का भी ऐलान किया था, और कई जो छोटे जिले हैं जहां पर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो एसएमईज हैं, एमएमईज हैं, इन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो ये तमाम यूनिट्स जो है कल दिन भर धरना प्रदर्शन करते रहे और कर्नाटक बंद का ऐलान भी किया था। हालांकि सिद्धारमैया ने इन लोगों से बातचीत की, लेकिन ऐसा कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला कि आगे चलकर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी और उनकी परेशानियां जो है वो खत्म होगी। क्योंकि सिद्धारमैया ने कहा कि इस महीने का बिल जो है दो गुना हुआ है, क्योंकि ये जो पिछले महीने के जो दो स्लैब्स थे उन्हें मिलाकर इस बार बिल जारी किया गया है। तो उनका यह कहना है कि उन्होंने इंडस्ट्री को आश्वासन दिया कि आगे चलकर बिल कम होगा और वो चाहें तो इस बिल को धीरे धीरे पे कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ठोस सोल्यूशन मिले इस पर, ना कि देर से बिल भरा जाए और बाद में बिल जब बिजली कट जाएगी तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बंद पड़ जाएंगी। तो ऐसे में सिद्धारमैया ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन जैसा कि आज केंद्र सरकार ने जो एक आदेश जारी किया और कहा है कि कैसे बिल को जो सोलर आवर्स के दौरान इस्तेमाल और गैर सोलर आवर्स के दौरान इस्तेमाल के तहत कैसे बिल की कटौती हो सकती है, बिल में कमी की जा सकती है, ये स्कीम जो है बेहतर नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि उद्योगपतियों का यह मानना है, ये छोटी इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, उनको उनका यह मानना है कि फ्री बिजली की बात कहकर कर्नाटक सरकार ने कहीं ना कहीं शायद लोगों को बिजली मुफ्त में इस्तेमाल करने की आदत डाल देगी, और जो बिजली जहां पर इस्तेमाल होनी है वहां पर इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बिजली की कमी भी हो सकती है। आयशा, अन्य भाग्य स्कीम भी जो सरकार है वो पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि चावल की कमी का हवाला दे रही है अन्न भाग्य स्कीम को पूरा करने को लेकर। आयशा खानम से हम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे साथ जुड़ी हुई है आयशा। अन्न भाग्य स्कीम जो है उसमें चावल के कम होने के संकट का हवाला दे रही है और केंद्र सरकार पर वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करके टाल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं 5 गारंटी को लागू करने का जो एक बहाना है उसके तौर पर कांग्रेस वहां पर इसको लेकर के भी आनाकानी कर रही है, बहाने बना रही है? देखिए, कांग्रेस के पास जब प्रचार के दौरान ये ऐलान, कांग्रेस ने ऐलान किया था कि फ्री 10 केजी चावल दिए जाएंगे, तो शायद उनके पास कोई प्लान नहीं था और ये प्लान ना होने की वजह से आज कांग्रेस को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस को अलग अलग राज्यों से चावल जुटाना पड़ रहा है और केंद्र सरकार ने जो कह दिया है कि FCI के तहत जो ओपन मार्केट में चावल मिलता था उसे बंद कर दिया है, क्योंकि ये तमाम राज्यों के लिए बराबर से केंद्र सरकार को बांटना होगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि चावल जो FCI से खरीदा जाता है वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे में अब सिद्धरमैया ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब जैसे राज्यों से जो है चावल खरीदेंगे, लेकिन उन्हें इसमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से चावल कर्नाटक लाने में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर ऐसे में उन्हें चावल जो खरीदना है 36 रुपए पर केजी चावल खरीदा जा सकता है, तो ये कॉस्ट जो है बढ़कर ज्यादा होगा और ये तिजोरी कर्नाटक की जो फाइनेंशियल स्थिति है उस पर दोबारा गहरा असर पड़ सकता है। एक तरफ सिद्धरमैया जो 5 गारंटी देकर कहीं ना कहीं अपने ही चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ फ्री बस का ऐलान कर दिया है और यहाँ भी फ्री बस सर्विस जो महिलाओं के लिए जारी किया गया है, महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं है, बेहतर बसेस नहीं है और महिलाएं जो है बसेस में ये माना जा रहा है कि ज्यादा क्राउड होने की वजह से बसेस कई जगहों पर रुक नहीं रही है। तो 5 गारंटीज जो है बिना प्लान के, बिना सोचे समझे किसी एक ब्लूप्रिंट के तहत इन्होंने ऐलान कर दिया था चुनाव के दौरान, लेकिन अब इन्हें लागू करने में कर्नाटक सरकार के पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल, पसीने छूट रहे हैं और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि क्यों 5 गारंटी जो आपने किए थे वो कहां पर हैं और कब पूरे होंगे, क्योंकि कहा तो ये गया था कि बस पहली ही बैठक में सरकार बनते ही पूरे कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।